प्रदेश में पिछले सप्ताह भर से चल रहे सियासी घमासान के बीच बुधवार को विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने और इसके सबूत होने के सीएम अशोक गहलोत के दावे के एक दिन बाद गुरुवार को सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने 3 ऑडियो क्लिप जारी कर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, सचिन पायलट गुट के विधायक भंवर लाल शर्मा, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह तथा जयपुर निवासी दलाल संजय जैन सौदेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि इस वायरल ऑडियो में किसने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच गुरुवार शाम 3 ऑडियो क्लिप बाहर आने के बाद जैसे राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया हो। पहली ऑडियो क्लिप में सरकार का दावा है कि पहले व्यक्ति विश्वेंद्र सिंह और दूसरे व्यक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हेलो जी भाई। हाँ भाई, सो ही सुनवान सिंह में दो पीपल हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुँच चुकी है। Well, ठीक है, let's not comment on that. Yes. So, when do you see you? Tomorrow? Yeah, I'll see you early morning by 8. But what I'm saying is that now we're moving legally. ठीक है, आपका action तो decide हो गया ना? कैसे? What line you're taking? Yeah, I'm taking the line. You're sticking with them, right? Yeah, or what else? हाँ. ठीक है, चाइना का कुछ फोन नहीं आया वापस? नहीं आया, मैंने किया उसको। ठीक है, ठीक है, आई टोल्ड हिम गिव मी टाइम, लीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू, कम ऑन, कम ऑन। पहली ऑडियो क्लिप के बाद दूसरी ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें सरकार का दावा है कि पहला व्यक्ति भंवर लाल शर्मा है और दूसरा व्यक्ति दलाल संजय जैन है। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। सरकार तो रहने को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। और अभी साहब नवीन ने कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ धन पा कल कह दिए बाबा, आप एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक, बस हम तो एक चेतन डूटी और को प्रयास और कर लो बलवान पूनिया रो। नहीं, चेतन डूटी भी आज ही, बलवान पूनिया भी आज ही। और इस बार जब बेटो भी आ जाए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इन दोनों ऑडियो क्लिप के बाद सामने आई तीसरी ऑडियो क्लिप में सरकार का दावा है कि इसमें पहला व्यक्ति भंवर लाल और दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो भी परिस्थिति में थारो है, मैं साहब ने बता दिया, मैं के साथ कुछ एक दो जन है जो बहुत ज्यादा वो एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है, तो उनकी आपसे बात है, उनकी डायरेक्ट आपसे बात है और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं है, तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दूंगा, आपकी बात सारी हुई थी है। तो अब सचिन जी की बात लिस्ट देवेगी तो फिर दे पाऊंगे के हिसाब में, अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। हाँ कर दी तो, क्योंकि बात करो सुनो नहीं कर दी तो। और एक बार फिर कर दीजिए, हाँ अगर दिन में संभव है तो एक गजेंद्र जी बात करवा दे। हाँ करवा दे, आप ही करवा दो, बोलो। हाँ अभी करवा दो, जानकारी देती हूँ गिरदारी जी को, मैं एक दिन खातर काम कर सुना, मैं जो बार किन्नी पहुंचा 5-7 दिन ना, 2-3 दिन जाने को नहीं, अभी अभी आप चलो रखो, मैं बात करूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हाँ गजेंद्र सिंह, मैं उम्र आशीर्वाद दे दूँ, बिल्कुल विलीप हो, विलीप हो,
बिल्कुल आप आकर मिलकर आपके आशीर्वाद की संख्या पूरी हो गई थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ पर गोदा दिव्या की। अब तो कहीं है मकान संजय जी ने भी बात करी है। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की हिम्मत इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार रात तो रहे कौन सी 12-15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग आपन के नाते नहीं बात मैं भी समझूंगा। होटल जो रात अलग होनी हाँ और संख्या बल है कोनी संख्या बल है कोनी और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ उसको मैं कर लूँगा ठीक हूँ। हाँ तो मैं वो तेरे ही लिया ठीक हूँ कब ठीक है ठीक है। इन तीनों ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि बगावत के कारण इस समय सरकार बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा अपने आदमियों से ये फर्जी ऑडियो तैयार करवा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई देते हुए कहा कि ऑडियो फेक है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूँ जबकि इसमें झुंझुनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र है उसके पद या जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार हो सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कल आप भाजपा की देश महानता के मंसूबों की कर रहे थे बात, आज पूरे भारत के सामने आए ऑडियो क्लिप ने आपके देख लिए हैं मंसूबे। अब यह साफ है कि भाजपा राजस्थान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को गिराने के षड्यंत्र में शामिल है। अगर नैतिकता रखते हैं तो दीजिए इस्तीफा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति का कच्चा चिट्ठा।